हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जरूर इसका लाभ लीजिएगा, और जब आप लाभ ले लीजिएगा तो इसको दूसरे लोगों तक भी पहुंचा दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी लाभ ले सके, ये आपका सहयोग होगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगता है इसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं योगिंग जॉगिंग के कुछ पार्ट्स बताऊंगा, उससे भी हमारे वजन कैसे कम होते हैं और हमारा जो ब्रीथिंग है वो भी हमारा कैसे मेंटेन होता है, ये चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा और मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप देख लीजिए योगिंग जॉगिंग में आप अभी करने जा रहा हूँ योगिंग जॉगिंग में सबसे पहले जो अपने सामर्थ्य के अनुसार जिनमें जितनी शक्ति है उतना ही दोनों पैर को थोड़ा सा खोल लेते हैं। खोलने के बाद क्या करेंगे, हम दाहिने हाथ से बाएं हाथ को छूने का प्रयास करेंगे। जो लोग इस प्रकार से छू लेते हैं उनके लिए तो अच्छा, जो लोग नहीं छू पाते, मान लीजिए कि मोटे डम्बी रखे हुए हैं, झुक नहीं पाता, जिन लोगों को झुकना मुश्किल हो रहा है तो वो लोग भी तेजी के साथ इसी क्रिया को करें। वो लोग ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं होता मैं नहीं करूंगा, भाई ऐसा नहीं है। आप लोग उसे इतना होता है इतने करो, नहीं जा पाते हो नहीं कर पाते हो, अगर पूरा जा पाते हो, बच्चे हो जवान हो आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप तेजी के साथ करो। बुजुर्ग हो बूढ़े हो मोटे हो वो लोग ऐसे कर लो, जितना होता है उतने कर लो, लेकिन कर लो लंबे गहरे श्वासों के साथ कर लो, भाई बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, इसको चुको मत भाई साहब। तो ऐसा कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस प्रकार से मिलाएंगे और लंबा गहरा श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे और श्वासों को छोड़ते हुए हम आगे की तरफ आने वाले हैं। तो इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट जो हम कराने वाले हैं जब नीचे आप आते हो तो कोशिश करो कि हमारा जो है सिर जो है यहाँ पे टच हो जाए और ये जो आपकी जो टमी है ये आपके पट से यहाँ लग जाए, इस प्रकार से ऐसे कर लो, जितना सगा पाते हो उतना सगा लो। जो लोग नहीं सगा पाते इतना ही आ रहा है लेकिन हाथ यहाँ आ पा रहा है, बात को समझिएगा, पूरा झुक नहीं पा रहे हैं लेकिन हाथ यहाँ आ रहा है, तो हाथ को यहां से लॉक लगा करके अपने बदन को खींचने की प्रयास करेंगे। तो कैसे करेंगे, ऐसे घिसते जाएंगे, आज इतना हुआ है कल इतना होगा परसों इतना होगा, निरंतर अभ्यास करते रहने से ऐसा संभव हो पाएगा। तो लंबे गहरे श्वासों के साथ हम नीचे पीछे जाएंगे, तो इस प्रकार से आपने करना है। जब ऐसा कर लेते हो तो फिर क्या करना, हमने हाइट जंप कर रहे हैं, मतलब पैर को भी खोलने हैं और हाथ को भी खोलने हैं। तो हाथ पैर कैसे खोलेंगे, जब पैर खोलेंगे तो दोनों हाथ भी ऊपर हमारे चले जाने, दोनों आपस में दोनों हाथ मिल जाने चाहिए और मोटी मसल जो है दोनों साइड की ये कान को टच कर जानी चाहिए। जब आप पैर खोलेंगे तो आपका साइज भी छोटा हो जाएगा, जैसे अभी ऐसे हैं हम खड़े हैं तो पैर को खोले तो ये चला गया। तो इस काम को जो स्वस्थ है, ये भी मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिए। बीमार ज्यादा लोग हैं वो लोग नहीं करिए, वो लोग धीरे धीरे प्राणायाम वगैरह जरूर करिए, क्योंकि ये मतलब जो स्वस्थ है वही लोग कर पाएंगे। ज्यादा गंभीर रूप से जो लोग बीमार हैं उन लोगों को मैं मना करूंगा कि ये कठिन आसनों में मत कीजिएगा। तो धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे सामर्थ्य भी आप में आएंगे और ज्यादा ऊर्जा भी आएगा, और जितना ऊर्जा आएगा उतना आप अपने एक्सरसाइज को अपने योगा को अपने आसन को ज्यादा रूप में बढ़ा सकेंगे। तो साइड टू साइड करेंगे, इसको तेजी के साथ करेंगे, इस प्रकार से पंजे के ऊपर में जंप करेंगे, ये लंबे गहरे श्वासों के साथ। इस तरह से कर लेंगे, जितना आप थकते हो 25, 50, 100 जितना भी हो सके आप जरूर करो, इससे भी आपके वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होते हैं। तो आप इसके बाद जो नेक्स्ट करने वाला हूं बहुत मजे में हर लोग कर सकते हैं, बूढ़े बच्चे सभी लोग कर सकते हैं। क्या करना है आपने कि बाएं अगर पैर को दोनों बाएं ओर ले गए तो दोनों हाथों को हम दाहिने ले जाएंगे, और जब पैर को बाएं ले जाएंगे तो दाहिने हाथ को भी बाएं ओर ले जाएंगे। धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे और पंजे के ऊपर करेंगे। बहुत लोग इसमें भी नहीं कर पाते, बहुत आसान है बट इसको भी नहीं कर पाते, तो वैसे लोगों के लिए मैं बोलूंगा पहले पैरों का एक्सरसाइज करें, बाएं जाए फिर दाहिने जाए, फिर बाएं जाए फिर दाहिने जाए, इस प्रकार से जाए। जब कंप्लीट हो जाता है
तो वही चीज को जैसा मैंने आपको बताया वैसे करना है, ये करना है, पहले दोनों पैर को मिला करके करना है, बिल्कुल तेजी के साथ करना है, इसको भी 25-50 करना है और ज्यादा हो जाता है, इसके बाद दोनों पैर को थोड़ा सा खोल करके और भी मस्ती के साथ एकदम बिल्कुल ये करेंगे लंबे गहरे श्वासों के साथ। और इस प्रकार से जो है सो अगर आप 10 से 12 बार कर लेते हो, ये पूरी जितने भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो आसन और योगिंग जोगिंग जो आपने को मैंने कराया, बहुत सारे आसन इसमें निहित होते हैं जो आप लोगों को मैं कराया इसमें, तो ये जितने भी चीज है वो आप डेली करो, कम से कम 25-50 बार करो और पसीने जरूर निकालो अगर स्वस्थ रहना चाहते हो भाई। तो सभी भाई बहनों से, सभी माता बहनों से, जितने भैया चाचा दादा सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार योग जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। और अगर मुझे आप लोग हमारी बातें आप लोगों को अच्छी लगती हो तो इन चीजों को लोगों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। ओम।